गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल विभास लाइफ में। होप करती हूँ मेरे यूट्यूब परिवार के लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब लोग व्यस्त होंगे। हम लोग भी देखिए आज अपने काम में एकदम व्यस्त है। आज डालने जा रहे हैं कोड़ोरी, जो उड़द दाल का होता है, तो उसके लिए मम्मी अदरक मिर्चा सब छील के धुल के कूट रही हैं खल में। और हम ये जो कोहड़ा होता है, इसको हम लोग रिक्सावा कोहड़ा बोलते हैं, जिसका पेठा बनता है वो ये वाला है। तो इसको कद्दूकस करके ये भी उसमें मिक्स करते हैं। और उड़द दाल हम लोग कल ही मशीन में पिसवा के भिगा दिए थे हींग डाल के, और उसमें गरम मसाला, पचफोरन, मिर्चा सब डाल करके मम्मी फेंट दी है। और हम ये देखिए कोड़ोरी बना रहे हैं। और ये मम्मी हमको ये बता रही है कि ऐसे डालो, हमको वैसे नहीं बनाने आता है, तो वो बता रही है कि वैसे बड़ा बड़ा होगा। हम लोग छोटा छोटा बनाते हैं, मम्मी बोली नहीं बड़ा बड़ा बनाओ। तो ये देखिए ऐसे मतलब बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 ठो बन गया है। उसके बाद इस पर सूखा हुआ मिर्चा लगाते हैं। ये इसमें लगाया जाता है कि नज़र ना लगे। इसको गांव में हम लोग कोहड़ोरी बोलते हैं और लोग बरी बोलते हैं। ये मेरा मिर्चा टूट गया था, ये अब बनाएंगे इसको पूरा। जो हम दिखाते हैं कि उड़द दाल का कोहड़ोरी हम लोग बनाते हैं वही है, वही बना रहे हैं इसको आज। और शादी के बाद जिसके यहाँ शादी होता है वो डालता, मतलब वो ये चीज़ नहीं करता, तो मम्मी नहीं करेंगी तो इसको हम ही को बनाना है। तो अभी आज हम वही कोड़ोरी बना रहे हैं। इसको इसी तरह गोला गोला पूरा बनाएंगे। और ये अभी मेरा कोहड़ोरी बन चुका है और हम नहा लिए हैं, नहा के बैठ गए। ये बेला घूम रही थी, आके गोद में बैठ गई है, ये सो रही है। और इसको पता नहीं कितना नींद आता है, रात भर भी सोई थी, अभी भी गोद में आने के बाद सो रही है। यहाँ पे हम बोल तो रहे थे लेकिन कुछ पता नहीं क्या दिक्कत आ गया कि आवाज़ ही नहीं आया। बेला अभी टहल के आके बैठ गई है। और आज सुबह सुबह छत पे हो रहा है कपड़ा का धुलाई, धुलने वाली देखिए। बहुत सालों के बाद हाथ से कपड़ा धुला जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको हाथ से कपड़ा धुल के? बहुत अच्छा। बहुत मशीन में डाल देती थी, धुला जाता था, आज धोना पड़ रहा है हाथ से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आप समझ में आ रहा है जिसके पास मशीन नहीं है वो कैसा फील करता है कपड़ा धोते समय? अच्छा ही फील करेगा। कब तक धुला जाएगा? 2-3 घंटे में धुला जाएगा? एक घंटा में कपड़ा धुला जाएगा। और हम बैठे हैं इनका साथ देने के लिए। हम कैसे बात कर रहे हैं, ये कपड़ा धुल रहे हैं। फिर हो गई, सूत गई, फिर सो रही है, उसको नींद आ रहा है। सो रही है क्या बेला? नींद आ रहा है बेला? सो जा, सो जा बेला, सो जा। उठिए बेला भी सो रही है, हम इनको कंपनी दे रहे हैं, ये कपड़ा धुल रही है, हम बतला रहे हैं। और नीचे क्या क्या हो रहा है ले जाओ। टाइटल देना कहो मामी, क्या कर रही हैं? बस कुछ नहीं, बस मामी को खबर दे लो ना, बस घी इसमें कर रही हैं। अच्छा, कर रही हैं। का रोटी कैसे फैला हुआ है? अरे रुकिए, अभी रोटियां रखना है ना उसको। अभी ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा ना, ज्यादा गर्म है उसमें, हॉट के तो उसी में रखना है ना उसको। इस रोटिया में भीमा लगा दे, इसमें लहसुन लगा कर उसको अच्छे से रख दे, ठीक है? अभी सब ऐसे फैला हुआ है। सब्जी, चावल, दाल वाल नहीं बन रहा है क्या आज? क्या चीज़? दाल नहीं बनेगा क्या? दाल बनू है इसमें। अच्छा। दाल नहीं, इसमें तो सब्जी है। इधर दाल है? हाँ, दाल इधर है। गाजर का हलवा बना है? हाँ, गाजर का हलवा भी है। अच्छा, ये रहा दाल, एक मिनट।
अब ठीक है, मस्त है। बताओ सब्जी बनाए कितना गंदा हो गया। अभी ना थोड़ा अभी किचन साफ करना है। ठीक बा, चलिए तो बाय बाय और लिख चलते हैं। और इसका टाइटल रहेगा ई हई देखा छोटकी ननदिया दिया दोनों भौजैयन से का करवावत बा। भौजाइयो को सताती हुई छोटकी ननद का मम्मी इधर उधर बिट्टू हो। तो हम लोग मेरा कोहड़ौरी भी डल गया था और अलका का पूरा कपड़ा भी धुला गया था। हम लोग फिर खाना वाना खा के सो गए थे। फिर ये भाभी लोग आई हैं, भौजाई लोग दोनों तेल गरम करके मालिश कर रही हैं, उसी में हम लोग का हंसी मस्ती मजाक चल रहा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।